सर्दी जब एक लेवल तक बढ़ जाती है कि कपड़े कितने पहने गर्माहट नहीं आ रही है, अब ज़रूरत पड़ जाती है हीटर्स की। लेकिन हीटर शुरू होते ही एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि स्किन जो अभी तक ड्राई थी अब एक्सट्रीमली ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो आखिर क्या हीटर और रेडिएटर सही है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर नुकसान लिए? सबसे अच्छा तो हीटर वो है जिसके अंदर से जो स्टीम के साथ है। स्टीम होने से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और आपकी स्किन की नमी को चोरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म हवा जो फेंक रहा है वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को भी बर्न कर रहा है। तो अगर आप ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो कमरा बिल्कुल बंद करके नहीं बैठेंगे, दरवाज़ा थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे। और दूसरा कोशिश ये कीजिए कि लगातार बहुत देर तक ना चलाएं, आधा घंटा ब्लोअर चला के फिर आधा घंटा छोड़ के फिर उसे दोबारा ऑन करें। और अगर आप एक तौलिया गीला करके गर्म पानी में उस ब्लोअर के आगे रख देंगे तो वो हल्की हल्की जो स्टीम निकलती रहेगी वो एनवायरनमेंट को ड्राई नहीं होने देगी। ऑयल रेडिएटर्स वो ड्राइनेस कम करते हैं लेकिन वो हीटिंग भी बहुत कम धीरे धीरे करते हैं, तो इसलिए कई बार लोगों को वो इनफ नहीं लगता है। तो आप सही हीटर और रेडिएटर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सर्दी को दूर भगा सकते हैं पर स्किन की ड्राइनेस को भी दूर रख सकते हैं।